हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट लॉजिक। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक फेशियल ट्यूटोरियल। तो मेक श्योर आप मेल हो या फीमेल हो, फेशियल सभी के स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसा हम हेड मसाज करते हैं, ठीक उसी तरह हमें फेस मसाज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपने स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देख रहे हैं आप गाइस, सो ये देख रहे हैं गाइस, इसे कहते हैं शहतूत। मेक श्योर आपने देखा होगा, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो ये बहुत खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये बहुत लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में। बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि इसके पेड़ ऐसे पड़े हुए हैं, लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको जिस फेशियल किट के बारे में बताने वाली हूँ वो है VLCC का पार्टी ग्लो फेशियल किट। तो मैं करने वाली हूँ VLCC का पार्टी ग्लो फेशियल किट और ये आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लैकबेरी ब्लूबेरी, आप जो भी कह लो उसे। इसका नाम नहीं लिखा, मैं एक बार पढ़ के देखती हूँ इंग्रेडिएंट्स में। तो इस फेशियल के आपके 4 स्टेप हैं। पहला है क्लिंजर एंड टोनर, यानी कि फेस को क्लीन करना है और टोन करना है। सेकंड है स्क्रबिंग, और स्क्रब के लिए इसमें दिया हुआ पपाया सीड एंड डेट एक्सट्रैक्ट दैट एक्सफोलिएट्स एंड रीटेप एंड जेंटली मॉइस्चराइज द स्किन। फर्स्ट स्टेप है जेल, दिस अल्ट्रा लाइट जेल एनरिच्ड विद मलबेरी। ओके, इसको कहते हैं मलबेरी, मुझे इंग्लिश नेम इसका नहीं पता था, दैट इज़ कॉल्ड मलबेरी। और इस तरीके से खाया जाता है। अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से मिला ये, जल्दी अब इसका पेड़ मिलता नहीं है कहीं। ओके, जो जेल है वो मलबेरी और सेफ्रॉन एक्सट्रैक्ट से है, रिच है, तो वो स्किन को लाइट और ब्राइट करने में हेल्प करता है और स्किन को सॉफ्ट सपल बनाता है। थर्ड है क्रीम, मसाज क्रीम, और वो भी जो है मलबेरी और लेमन पील एक्सट्रैक्ट से है, मतलब एनरिच है, तो ये स्किन को लाइट, पिगमेंट को लाइट करता है और स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, विदाउट डिहाइड्रेटिंग जो पिगमेंटेशन है उसको रिमूव करता है। फिफ्थ है कि फिल्ड विद गुडनेस ऑफ सैफ्रॉन एंड हेजल नट एक्सट्रैक्ट। ओके, सैफ्रॉन है और नट एक्सट्रैक्ट है, दिस क्रीमी एंड सॉफ्ट पैक गिव्स द स्किन रेडिएंट ग्लो। ओके, और 11/2017 इसका मेंशन डेट है और नाउ 2020 इसका एक्सपायरी डेट है। 3 ईयर जो है शेल्फ लाइफ हमें मोस्टली कॉस्मेटिक्स की मिल जाती है। VLCC नेचुरल साइंस, लंदन, सिंगापुर, दुबई। इमिटेशन ऑफ ग्राफिक्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस। सब 10-10 ग्राम के प्रोडक्ट दिए हुए, टोटल 60 ग्राम है। 6 स्टेप है, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप है और ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल आपको दिया है, विच इज़ सनस्क्रीन, वो भी 10 ग्राम का दिया हुआ है। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन, मैं यूज़ करती हूँ और मुझे VLCC का ब्रांड बहुत पसंद है, उसका फेशियल किट मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ और मुझे इसके साथ ये सनस्क्रीन मिलता है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल। लिखा है कि ऑयल फ्री है, मॉइस्चराइजिंग जेल है विथ SPF 15 PA+ विथ एलोवेरा है। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब SPF नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कवरेज देता है। आप एकदम धूप में जा रहे हो उसको लगा लो तो स्किन को एकदम, क्योंकि मैंने इसको बहुत कड़कती धूप में एक बार मुझे कहीं जाना था
तो रैंडमली मैंने पर्स में से निकाला और इसको अप्लाई कर लिया, क्योंकि सनस्क्रीन मैंने यही डाला हुआ था। बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, छोटा सा है और स्किन को इतना कूलिंग इफेक्ट दे रहा था, मतलब मुझे लग नहीं था कि मैं धूप में पड़ूँ, जबकि बहुत चिलचिलाती धूप थी। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। आप जब भी इस तरीके का फेशियल किट खरीदते हैं तो ये आप अपने पास, क्योंकि आप इसको एक दो बार ही फेशियल के बाद अप्लाई करोगे, बाकी तो आपके पास सेफ पड़ा ही रहेगा। तो आप इसको अपने पर्स में स्टोर कर लो, सेव कर लो। समटाइम्स आप कहीं जा रहे हो, आपको अचानक से ज़रूरत पड़ गई तो आप इसको लगा लो, या फिर घर से भी लगा के निकलो तो आप खुद इसका रिजल्ट जो है फील करोगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और ये जो पार्टी ग्लो फेशियल किट है ना, वो लिख रहा है कि फॉर ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन, तो आपकी स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाएगा, ऐसा इसमें क्लेम कर रहा है। प्राइस मैंने आपको बताया नहीं, और आई थिंक ये ऑनलाइन आपको 300 तक मिल जाएगा, और ऑफलाइन अगर आप लोकल स्टोर से लेते हो तो 450 तक समथिंग ही आ जाता है। मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको भी जो हो गया 6-7 महीने पहले इसको मैंने लिया था, तो मैं VLCC का जो फेशियल किट ऑलमोस्ट यूज। सो इस प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप है क्लिंजर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्लिंजिंग जो क्लिंजर इसका था उसको दे करके ऑल को मैं फेस अप्लाई कर लिया है। मेरी आईज़ में ना, मैंने इसके जस्ट पहले मेकअप ट्यूटोरियल किया था तो आईज़ में मस्कारा लगा हुआ है, तो उसको रिमूव करने के लिए मैं एलोवेरा जेल या नारियल का तेल यूज़ करती हूँ। मेक श्योर आप भी इसी से अपनी आई लैशेज़ को जो है रब करके मस्कारा को रिमूव किया करिए, अदरवाइज आपको आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप अपने आई लैशेज़ को रिमूव आई आपकी आई लैशेज में जो मस्कारा या काजल लगा होता है उसको आप रिमूव नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, ऐसे सो जाते हैं, तो उससे आपका इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेक श्योर उसको अच्छे से रिमूव कर लें। सो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि फेशियल जो है फेस मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जिस दिन आप फेशियल करते हो उस दिन और उसके सेकेंड डे आपको फेस वॉश बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए अपने। अब सेकेंड स्टेप करेंगे वो है स्क्रब का, तो मैं स्क्रब लूँगी और इसको ऑल ओवर माई फेस अप्लाई करके अच्छे से इसको मैं 5 से 7 मिनट आपको स्क्रबिंग से अच्छे से अपने स्किन की मसाज करनी होती है, इससे जो भी स्किन के डेड सेल्स हैं ना वो निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो उस तरीके से आपको अच्छे से अपने डेड सेल्स को निकाल देना है। इसमें लाइक अ ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, देखिए, आई होप इट विजिबल। सो बहुत स्मूथ इफेक्ट दे रहा है, इस तरह से हल्का सा वाटर लगा के आप इसको अच्छे से मसाज कर लें। फेस को कंप्लीटली स्क्रब कर लें। और अब मैं लगाऊंगी जेल। ये जेल है, इसको लगा के 5 मिनट छोड़ देना है हमको। सो गाइज, अब मैं मसाजिंग स्टेप फॉलो कर रही हूँ, यानी कि स्निग्धा स्किट के साथ जो क्रीम थी वो थी स्निग्धा क्रीम। सो ये वन ऑफ द बेस्ट क्रीम लगी मुझे, बहुत स्मूथ, एकदम बटरी सॉफ्ट है, स्किन जैसे स्लिप कर रहा है मेरे हैंड पे, फेस पे। एक्चुअली में नरिशिंग क्रीम ऐसे ही होनी चाहिए, तो मसाजिंग टेक्निक पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होता है। आप इस क्रीम को लेकर ऑल ओवर योर फेस एंड नेक एटलीस्ट 15 to 20 मिनट पूरा टाइम दें और अच्छे से फेस मसाज करें।
अराउंड योर नोज, अराउंड योर माउथ, अराउंड योर फोरहेड, योर चेक बोन्स, सभी जगह प्रॉपरली अच्छे तरीके से फेस को मसाज करें। तो मसाजिंग से ही एक्चुअल आपको ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से हो जाता है। और कुछ स्टेप्स आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, लाइक फेशियल जिस दिन भी आप करें उस दिन और उसके सेकेंड डे आपको फेस वॉश अपने स्किन पे नहीं यूज़ करना चाहिए। और साथ ही कोई होम रेमेडी या DIY भी जल्दी चंदन बेसन नहीं यूज़ करना चाहिए 1 वीक तक, अदरवाइज आपको उसका ग्लो देखने को नहीं मिलता है। सो फेशियल से माई स्किन यूथफुल और यंग लगती है, रिंकल्स फाइन लाइन्स थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, स्किन ग्लोई होती है। तो आपको एटलीस्ट सो गाइज ये क्रीम बहुत सॉफ्ट है और इसका विजिबल रिजल्ट आप सबको देखने को मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्रीम अप्लाई करके। एंड इट्स अ पार्टी ग्लो फेशियल किट, तो ग्लो आपको इंस्टेंटली थोड़ा सा देखने को मिलेगा आफ्टर मसाजिंग ये क्रीम। सो गाइज अगर आपको मसाज करने नहीं आता है तो आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, हल्का सा फेस पे प्रेशर देना होता है एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड नीचे से ऊपर की तरफ स्किन को थोड़ा सा उस तरीके से आपको मसाज करना होता है। जैसे आप क्रीम अप्लाई करते हो आप पहले इस तरीके से स्टार्ट करिए, जैसे आप फेस पे कोई क्रीम अप्लाई करते हो सर्कुलर मोशन में, इस तरीके से आप धीरे धीरे अप्लाई करिए और मेरी वीडियोस देखते जाइए तो आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। बहुत इजी स्टेप्स मैं बताती हूँ जो कि कोई बच्चा भी कर ले, इतना इजी तरीका। और सभी को अपने स्किन का ख्याल रखने आना चाहिए, ध्यान रखना आना चाहिए। तो अगर आप फेशियल करते हो तो आपकी स्किन जो है यूथफुल और यंग बनी रहेगी ऑल ओवर। और आफ्टर स्क्रबिंग जेल और मसाज के बाद ये जो लास्ट स्टेप है ये फेस मास्क का। तो अब मैं फेस मास्क ऑल ओवर माय फेस अप्लाई कर लूँगी और जब ये थोड़ा सा हल्का सा सूख जाएगा ना तो आप इसको हल्का सा वाटर लगा के एक बार फिर से गीला कर लें या कोई रोज़ वाटर से स्प्रे कर लें। और बस इसके बाद फिर मैं फेशियल का ग्लो एक्चुअल आपको 2 दिन बाद ही देखने को मिलता है। तो अगर आपको कहीं भी पार्टी वार्टी में जाना हो ना तो आप 2 दिन पहले ही फेशियल कर लो ताकि 2 दिन बाद आपको एग्जैक्टली ग्लो देखने को मिले। तो बस अब अगर आपने दिन में फेशियल किया है तो आप फेस को धुलने के बाद सनस्क्रीन श्योरली अप्लाई। सो गाइस फेस पैक सूख ड्राई होने के बाद मैं इसको गीले कपड़े से पोंछ लूँगी, आप फेस को धुल लें। और अगर आप दिन में फेस को फेशियल कर रहे हो तो आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल स्किप ना करें। मैं भी दिन में कर रही हूँ बट मैं स्टेप के बाद मैं सोने जा रही हूँ। फेशियल के बाद आपको सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं बस रोज़ में अप्लाई करूँगी, यानी कि पहले थोड़ा फेस को टोनिंग इफेक्ट दूँगी, फिर मॉइस्चराइज करूँगी विथ एलोवेरा जेल से, अच्छे से मसाज करूँगी 5 मिनट और उसके 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं अपना कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करके बस सोने चले जाऊँगी। तो आप अगर दिन में अप्लाई करो तो आप सनस्क्रीन श्योरली अप्लाई कर लो उसके बाद, क्योंकि मैं तो सोने जा रही हूँ इसलिए मैंने अप्लाई करी। और हाँ, प्रॉपर नींद लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी आंखों के अराउंड डार्क सर्कल ना पड़े। आई होप कि ये यूज़फुल रही होगी आपके लिए, आप मेक श्योर इसको ज़रूर फॉलो करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।